एक ताकतवर इंसान एक शरारती बच्चे को हवा में छालता है। जब बच्चा धरती पर वापस आता है तो उसकी हालत और खराब हो जाती है। कौन है हैंकॉक, ये शक्तिशाली इंसान? इसमें कुछ लुटेरों को पुलिस में भागते हुए दिखाया गया है। इस जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। एक आदमी को टोपी पहनकर सोते हुए दिखाया गया। इस बीच एक बच्चा प्रकट हो जाता है और कहता है, हैंकॉक उठो, बुरे लोगों को देखो। बच्चा उसे बता रहा था कि वो एक सुपर हीरो, जल्दी उठो और शहर को बुरे लोगों से बचाओ। हैंकॉक बच्चे को इग्नोर करने लगता है। यही वजह है कि उनमें से एक उसे एसोल कहता है और चला जाता है। ये शब्द सुनकर हैंकॉक चिड़चिड़ा जाता है, पूरी तबीयत से उड़ान भरता है। ऐसी उड़ान के आसपास की जगह में गड्ढे हो जाए। वो जगह पहुंचता है जहां लुटेरे लूट कर भाग रहे थे। हैंकॉक उनकी कार में बैठ जाता है। लुटेरे से पूछते हैं कि तुम यहाँ घुसे कैसे बे? हैंकॉक का कहना है कि कोई लड़की नहीं है, कोई शराब नहीं है, फिर भी तुम तेज ड्राइविंग कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, छोटी सी पार्टी तो होनी चाहिए। सुनकर वो सब उतावले हो जाते हैं, इसीलिए वो हैंकॉक पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। गोलियों की वजह से हैंकॉक का गिलास और शराब की बोतल टूट जाती है। इस बात से हैंकॉक बिल्कुल परेशान हो जाता है और अपने पैरों से कार को वहीं रोक देता है। इसी वजह से बदमाश और ज्यादा उग्र हो जाते हैं और वो भी हैंकॉक को कहते हैं एसहोल, जिस शब्द से हैंकॉक चिढ़ता था। हैंकॉक कहता है, एक बार और मुझे एसहोल कहो फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। जैसे ही दूसरा गैंगस्टर से हैसोल कहने ही वाला होता है, हैंकॉक सुपरमैन की तरह हवा में अपनी कार उड़ाता है, इमारतों से टकराता है। वो उनकी कार को एक ऊंची इमारत में ले जाता है और वहीं एक शूल में उनकी गाड़ी को गड़ा देता है। ये सब देखकर हमें पता चलता है कि हैंकॉक के पास काफ़ी सुपर पावर्स है, यानी कि हवा में उड़ सकता है, कोई भी गोली उसे प्रभावित नहीं कर सकती, उसके पास सुपर हीरो जैसी सुपर पावर्स है। हैंकॉक ने भी टकैती बंद कर दी है, लेकिन मीडिया उसके खिलाफ खबर को कवर कर रहा है। कहा गया था कि हैंकॉक फिर से शहर में गड़बड़ी पैदा कर रहा था, उसने 90 लाख का नुकसान कर दिया, इसकी भरपाई कौन करेगा? हैंकॉक भी बार में बैठकर एक न्यूज़ देख रहा था। सीन बदल जाता है, एक आदमी को दिखाया जाता है, उसका नाम रे था। वो अपनी कंपनी के कुछ कर्मचारियों को प्रेजेंटेशन दे रहा था। वो कहता है कि आप सभी इस देश के बड़े कारोबारी हैं, आपका धंधा अच्छा चलता है, हम पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन हम गरीबों के लिए कुछ नहीं करते, हम गरीबों की मदद नहीं करते। मैंने पूरी दुनिया में एक संयुक्त प्रतीक बनाने की योजना बनाई है, ये दुनिया के हर देश में समान रूप से काम करेगी। मूल रूप से इसका मकसद गरीबों की मदद करना होगा, गरीबों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन जैसे ही वो फ्री की बात कहता है तो सारे बिजनेसमैन जाने के लिए कहने लग जाते हैं। रे उसका नाम होता है। रे के बॉस कहता है कि क्या तुम पागल हो, अगर हम लोगों को मुफ्त में दवा दे देंगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे। बाद में रे को बैठक से बाहर कर दिया जाता है। रे जब घर लौट रहा था तो रास्ते में भीड़ थी। रे की कार के आगे और पीछे एक कार थी। इसी बीच वो देखता है कि मैं तो क्रॉसिंग के बीच में खड़ा हूँ और ट्रेन आने वाली होती है। ट्रेन लगातार हॉर्न बजाते हुए सामने आते दिखाया गया। ये देखकर रे डर जाता है। वो अपनी आगे वाली कार से कहता है, गाड़ी चलाओ क्योंकि ट्रेन आ रही है। लेकिन आगे कोई उसकी सुनता ही नहीं है। आगे गाड़ी वाला उसको कहता है कि ट्रैफिक है, मैं कैसे आगे करूं। रे भागने की कोशिश करता है, सीट बेल्ट खोलता है, कार का हैंडल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम ही नहीं कर रहा। उसकी कार का हैंडल टूट जाता है। रे समझता है कि अब वो नहीं बच सकता, लेकिन फिर हैंकॉक टक टक करता है उसकी गाड़ी पर। वो रे से पूछता है, तुमने यह गाड़ी क्यों खड़ी की? रे कहता है, जल्दी करो मुझे बचा लो। हैंकॉक कार को ऊपर उठाते हुए फेंक देता है। तेजी से आ रही ट्रेन को वो रोक ही नहीं पाया। वो ट्रेन के सामने खंभे की तरह खड़ा हो जाता है। उससे टकराते ही ट्रेन वहीं रुक जाती है और डिब्बे के डिब्बे पलट जाते हैं। हैंकॉक ने रे को तो बचा लिया, लेकिन जब वो ट्रेन को देखता है, इसके डिब्बों ने अलग अलग चीजों से टकराते हुए शहर को तबाह कर दिया, इससे काफी नुकसान हुआ था। ये देखकर वहां के लोग हैंकॉक को गाली देने लगते हैं, उससे बुरा भला कहने लगते हैं और कहते हैं कि तुम एसहोल हो, उसके पास दिमाग नहीं है, देखो तुमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। ट्रेनों और पटरियों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हैंकॉक उनसे कुछ नहीं कहता, उनकी बातें सुनता रहता, फिर कहता है, तुम जो चाहो करो, मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच में रे आ जाता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मेरा एक परिवार है, आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ इसी की वजह से हूँ। सब लोगों को डांटता है, कहता है इस इंसान ने मेरी जान बचाई है, इसका मतलब हैंकॉक की वजह से, अगर वो यहाँ नहीं होता तो आज मैं मर जाता। हैंकॉक जवाब में कहता है, इट्स ओके। रे कहता है कि मेरी कार पूरी तरह से टूट गई है, क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? ये सुनकर हैंकॉक अपनी शक्तियों के साथ उसकी कार को उठाते हुए उसको उसके घर पर छोड़ देता है। अब रे के बेटे को दिखाया गया है, वो हैंकॉक का बहुत बड़ा फैन है। हैंकॉक को अपने घर में पाकर वो काफी एक्साइटेड है। इसी बीच रे की पत्नी मैरी भी आ जाती है। वो कहती है कि खबरों का आदमी वही है जो हर जगह तोड़फोड़ करता है। रे कहता है कि आज उसी ने मेरी जान बचाई, अगर वो नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं होता। थैंक यू कहते हुए हैंकॉक जा रहा था। रे कहता है कि तुम आज हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करते? हैंकॉक कहता है, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। खाना खाते टाइम वो आपस में बातें कर रहे थे। रे के बेटे का कहना है कि गली में एक लड़का है जो मुझे चिढ़ाता है। हैंकॉक उसे अनदेखा करने के लिए कहता है, बस उसे एक काम करो, बीच में उसके दो लाते मारो, इससे वो शांत रहेगा। लेकिन मैरी कहती है कि बच्चा है, उसको सामने ये फालतू की बातें मत सुनाओ। ये सुनकर हैंकॉक क्या करता है, अपनी वाइन की बोतल लेकर वॉशरूम में चला जाता है। मैरी रे से पूछते है, क्या वाकई में शराब की बोतल वॉशरूम में ले गया? लौटने के बाद हैंकॉक रे को थैंक यू बोलता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं अपने घर निकलता हूँ। और रात में मैरी अपने पति से हैंकॉक से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि सब उसे बुरा कहते थे।
उसकी छवि समाज में अच्छी नहीं थी। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हारी भी छवि खराब हो जाएगी। हैंकॉक उनके घर की छत पर बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। अगली सुबह हैंकॉक दिखाया जाता है। वो जागता है, वो पास से एक छोटा सा डिब्बा उठाता है। रे द्वारा भेजी गई तस्वीर के लिए 2 टिकट थे उसमें। ये देखकर हैंकॉक इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि मुझे अपनी छवि पॉजिटिव बनानी चाहिए, मुझे खुद को अच्छा बनाना है। वो रे के घर जाता है, लेकिन रास्ते में एक बच्चा उसे एसहोल कहता है। हैंकॉक उस बच्चे से उसका नाम पूछता है। नाम सुनकर हैंकॉक को पता चलता है कि वो बच्चा जो है वो रे के बेटे को चिढ़ाता है। बच्चा हैंकॉक से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो एसोल। हैंकॉक बच्चे से एक बार फिर कहता है कि मुझे एसोल मत बोलियो, अगर तूने एक बार और बोला तो मेरे संग क्या करूँगा, आसमान की सैर करा दूंगा। जैसे ही लड़का हैंकॉक के पास है, उसके कान में एसोल कहने ही वाला था, हैंकॉक लड़के को आसमान में फेंक देता है, आसमान के ऊपर जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। रे आ जाता है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। हैंकॉक के कहना है सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, लड़का आसमान से नीचे गिर रहा था, हैंकॉक उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। इस घटना के बाद बच्चा रोते चिल्लाते हुए निकल जाता है। रे ने हैंकॉक से पूछा कि क्या तुमने उस लड़के को हवा में उड़ाया। हैंकॉक का कहना है कि नहीं, वो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तो बस उसे तफरी कर रहा था। बाद में वो अपने कमरे में बैठ जाते हैं। रे कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम लोगों की मदद करना चाहते हो, लेकिन बदले में लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं, तुम्हें कोई सम्मान नहीं देता। तुम्हें लोगों को बताना होगा कि तुम्हारे पास पावर्स है, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह। तुम अच्छे आदमी हो, तुम ऐसे सुपर हीरो जो लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। हैंकॉक कहता है हाँ, मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूँ। रे उसे बताता है कि हाँ, तुम्हारे वीडियोस दिखाता हूँ मैं। वो कहता है देखो, एक बार समुद्र तट पर पानी से एक बड़ी मछली निकली, तुमने उसे इतना दूर फेंक दिया कि वो दूर एक नाव पर गिर पड़ी। हैंकॉक का कहना है मुझे कुछ याद नहीं। रे उसे एक और वीडियो दिखाता है और कहता है देखो, तुम फटे कपड़ों में आइसक्रीम दुकान लूट रहे, आधे नंगे दिख रहे हो, सभी बच्चे तुम्हें देखकर हंस रहे थे क्योंकि तुम्हारे कपड़े फटे हुए। हैंकॉक कहता है कि मैंने लोगों को जलते हुए घर से बचाया था, इसीलिए मैं ऐसी कंडीशन में आ गया, मैं क्या करता, जलते हुए घर मैंने लोगों को बचाया। वो बात कर रहे थे, इसी बीच मैरी आती है, वो उन्हें इग्नोर करते हुए अपने काम में लग जाती है। रे हैंकॉक से कहता है कि अगर तुम अपनी छवि इस तरह बनाना चाहते हो तो लोगों को सामने तुम्हें कुछ अच्छा करना होगा। न्यूज़ रिपोर्टर का कहना है कि हैंकॉक के खिलाफ लगभग 600 मामले, लेकिन उसने कोर्ट में कभी ना तो गया ना कुछ कहा, यहाँ तक कि वो कभी जेल भी नहीं गया। रे कहते हैं हैंकॉक यही टाइम है कि लोगों के दिल में जगह बनाओ, तुम एक काम करो, पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करना चाहती है, तुम्हारे पास इतने मुकदमे हैं तो तुम जेल चले जाओ, जेल में कैदी की तरह जियो ताकि लोग सोचें कि अब तुम बदल गए हो, जरूरत पड़ने पर लोग तुम्हें फ़ोन करेंगे। हैंकॉक ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि रे ने उसको ये सब करने के लिए कहा, इसीलिए उसने खुद को गिरफ्तार करवा लिया। हैंकॉक कहता है कि रे ने उन्हें कॉन्फ्रेंस मीटिंग में लिखित रूप में कह के दिया था, पुलिस ने भी उसे जेल में डाल दिया। हैंकॉक को जेल में देख सभी कैदी उसे घूर रहे थे, उसे बुरा भला कह रहे थे। एक लंबा कैदी उसके सामने आते उसका रास्ता रोक लेता है। हैंकॉक उससे दूर जाने के लिए कहता है। कैदी कहता है कि तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं, तुम्हारी वजह से ही तो हम 90% लोग यहाँ पर जेल में हैं। लंबा कैदी हैंकॉक से कहता है आज तुम खत्म हो जाओगे। हैंकॉक कहता है कि अगर तुम मेरा रास्ता नहीं छोड़ोगे ना तो तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा, अब जल्दी करो मेरा रास्ता छोड़ो। इसी बीच लंबा कैदी उसे एसोल कहता है। सुनकर हैंकॉक आग बबूला हो जाता है और उसके पिछवाड़े में एक छोटे कैदी को घुसा देता है। उससे पूछता भी है पहले कि बचपन में अंधेरे से डर तो नहीं लगता था ना। इस घटना के बाद रे उससे मिलने आता है। रे कहता है कि तुमने मुझे अच्छा बनने का वादा किया था, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो सब कैसे चलेगा। इसी बीच हैंकॉक ने अपने नाखून से कांच को गोल आकार में काट लिया। वो कहता है कि हाँ, अब आवाज़ साफ है। रे उसे बताता है कि तुम्हें 8 साल की सजा हुई है। हैंकॉक गुस्से में आ गया, दरवाजा तोड़ते हुए निकलने वाला था। रे उसे बताता है कि अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो तुम्हारी सजा आधी हो जाएगी, ये 4 साल बहुत जल्दी बीत जाएंगे, अगर सरकार को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम तुम मुक्त हो जाओगे, और अगर तुम अच्छे काम करोगे तो सुपर हीरो सब तुम्हें मानने लगेंगे। सुनकर हैंकॉक जेल में रहने का ही फैसला करता है। सभी बंदियों को एक जगह बैठक करते हुए दिखाया गया है। वो अपनी जिंदगी की घटनाएं बता रहे थे। जब हैंकॉक की बारी थी तो वो पास होने के लिए कहता है, इसका मतलब है कि उसे कुछ बताने के लिए नहीं है। जेल में बंद कैदी अपना टाइम पास करने के लिए वॉलीबॉल खेलते थे। हैंकॉक हर बार गेंद को एक बार चकमा देकर मैच जीत जाता है। इस तरह कई दिन बीत गए। रे फिर से जेल में उससे मिलने आता है। वो हैंकॉक से कहता है कि अब तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ, अच्छा काम करने वाले हर इंसान को गुड जॉब कहना। हैंकॉक यहाँ कुछ नहीं कहता है। टीवी पर खबर थी कि अपराध दर में 30% की वृद्धि हो गई थी, अगर हैंकॉक होगा तो इतने क्राइम बढ़ेंगे ही नहीं। इधर हैंकॉक के कुछ सपोर्टर्स थे, कुछ लोग अभी भी उसे बुराई कह रहे थे कि जब भी हैंकॉक आता है तो तोड़फोड़ कर देता है, सब बेकार हो जाता है, बढ़िया है कि साला जेल में ही है। रे की पत्नी मैरी को हैंकॉक से मिलने के लिए अपने बेटे के साथ दिखाया गया है। उसके लिए खाना लाई है, हैंकॉक इसे खाकर खुश हो जाता है। मैरी हैंकॉक को बताती है कि रे को तुमसे बहुत उम्मीद है, इसीलिए उसकी उम्मीदों को तोड़ना, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। हैंकॉक को ड्राइंग का बहुत शौक था, इसलिए उसने हर दीवार पर चित्र बनाए। एक दिन वॉलीबॉल खेलते टाइम उनकी गेंद जमीन से काफी दूर गिरती है। गेंद को वापस लाने के लिए हैंकॉक वहां से कूद जाता है। सभी पुलिस ऑफिसर कैदी सोच रहे थे कि अब हैंकॉक भाग जाएगा,
हैंकॉक भी कुछ देर सोचता है कि क्यों ना मैं जेल तोड़ते हुए यहाँ से भाग निकलूँ। तभी उसे याद आता है कि रे ने क्या कहा था। वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से भागूंगा तो रे का दिल टूट जाएगा, इसीलिए वो गेंद लेकर जेल लौट आता है। अगले दिन पुलिस अधिकारी हैंकॉक को जगाता और कहता है कि मंत्री जी ने आपको बुलाया है, इसका मतलब है कि देश में अपराध के कारण उन्हें एक सुपर हीरो की जरूरत है और जो कि लड़ाई लड़ सकता है, लोगों को बचा सकता है। हैंकॉक अपनी सुपर हीरो वाली ड्रेस पहनकर लोकेशन पर आ जाता है जहाँ पुलिस ऑफिसर बैंक में लूट की वारदात को रोक रहे थे। वहां पहुंचकर हैंकॉक पुलिस ऑफिसर से कहता है गुड जॉब। पुलिस ऑफिसर कहता है गुड जॉब करना बंद करो, लोगों को बचाने के लिए अंदर जाओ भैया। इसी बीच हैंकॉक ने एक फीमेल पुलिस ऑफिसर को नोटिस किया, गोलियों की वजह से घायल हो रही थी, वहां से कंटिन्यूअस गोलियां चल रही थी। हैंकॉक उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ तुम्हारी जान बचाने के लिए, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। फीमेल पुलिस ऑफिसर कहती है जल्दी करो लेकिन मेरी जान बचाओ। इसी बीच हैंकॉक उस कार को अपने हाथ में उठा लेता है जिस पर लुटेरे गोलियां चला रहे थे। पुलिस ऑफिसर की जान बचाने के बाद हैंकॉक गुड जॉब कहता है। हैंकॉक उस जगह पहुंचता है जहां लुटेरे कैदियों के साथ टाइम बॉम्ब फिक्स करते हुए शामिल हैं। हैंकॉक वहां पहुंच जाता है और एक एक करके लुटेरों को खदेड़ते हुए खिड़की से बाहर फेंक रहा था। बाद में जो मेन लुटेरा है वो हैंकॉक का सामना करता है। वो हैंकॉक से कहता है कि तुमने मेरे सभी साथियों को मार दिया है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक बैंक का लॉकर तोड़ो, अगर तुम मेरे लिए ऐसा करोगे तो मैं जितने भी बंदी हैं ना उनको एक बॉम्ब के साथ यहाँ पर छोड़ दूंगा। हैंकॉक कहता है नहीं मैं नहीं करूँगा। डाकू गुस्से में आ जाता है और उसे एसहोल कहता है। अब क्योंकि हैंकॉक को ये शब्द पसंद नहीं था, वो टेबल लैम्प खोलता है और एक नट निकालता है, फिर उसे चपटा कर देता है। वो कहता है एक और बार मुझे एसोल कहियो फिर देखो तुम्हारा क्या हाल करूँगा। जैसे ही डाकू उसे एसोल कहता है हैंकॉक उसके हाथ पर गोल सपाट चीज मारता है, इससे उसके हाथ कट जाता है। इसके बाद सीन बैंक के बाहर शिफ्ट हो जाता है। हैंकॉक अपने कटे हुए हाथ और बम का रिमोट पुलिस अधिकारी को दे देता है। उनका कहना है कि अब सभी बच गए, गुड जॉब, आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया। जवाब में पुलिस अधिकारी कहता है कि नहीं आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमने नहीं। इसी बीच जबकि शहर हैंकॉक के लिए ताली बजाना शुरू कर देता है, अब लोगों को हैंकॉक का महत्व पता चला। हैंकॉक अब मीडिया और समाचारों में बहुत फेमस हो गया था। रात में हैंकॉक रे और मैरी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठे थे। वो अपनी जिंदगी के पलों को शेयर कर रहे थे। रे बताता है कि मेरी पहली पत्नी से मेरा एक बेटा है लेकिन मेरी पत्नी मर गई थी और जब मैं अपने बेटे के साथ मॉल में कुछ खरीदने गया तो मैं बड़ा डाउट में था। मुझे वहाँ मैरी मिली, उसने मुझे देखते ही मेरी सारी चिंताओं को समझा और मेरी हेल्प करी, उसने हमेशा मेरे साथ रहने का फैसला किया। मैरी कहती है कि हाँ मुझे रे जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं मिला था, बहुत अच्छे हैं। हैंकॉक तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। हैंकॉक कहता है कि कुछ साल पहले किसी ने मुश्किल से मेरा सिर जोड़ा था, इसमें मतलब मेरा सिर फट गया था, इसमें मेरे सिर में चोट लग गई थी, लोग मुझे अस्पताल ले गए, फिर थोड़ी देर बाद मेरे घाव ठीक हो गए, जब मैं उठा तो कोई नहीं था, जब मैंने अपनी जेब चेक की तो तस्वीरों के लिए केवल 2 टिकट थे। यकीन करो मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। ये सुनकर रे कहता है कि टीवी न्यूज़ वाले तो ये नहीं बताते। हैंकॉक का कहना है कि ये करीब 80 साल पुरानी घटना है, मैं अमर हूँ, मैं मर नहीं सकता। रे नशे में था इसलिए हैंकॉक उसे अपने कंधे पर उठाते हुए अपने घर छोड़ देता है। ज़्यादा टाइम वो मैरी को देखता है और वो पता नहीं क्यों लेकिन एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अचानक मैरी उसे उठाकर दूर फेंक देती है। हैंकॉक हैरान हो जाता है कि कोई उसे छू नहीं सकता, गोलियां भी उसे प्रभावित नहीं कर सकती, मैरी इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई कि उसने मुझे इतनी दूर फेंक दिया। मैरी उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मेरे पास भी महाशक्तियाँ हैं, अगर तुम रे को इस बारे में कुछ भी बताओगे ना तो मैं मार डालूंगी, निपटा डालूंगी। अगली सुबह जब रे उठा तो उसने अपने घर की टूटी हुई दीवार को देखा, उनकी कार की हालत और भी ख़राब थी। मैरी ने उसे बताया कि कल रात हैंकॉक को छींक आई, उसके छींकने से बड़ा छेद हो गया। रे हैरान हो जाता है कि उसकी छींक के कारण इतना धमाका हो गया, अच्छा रहा उसको उल्टी नहीं आई। हैंकॉक भी आता है बातचीत को संभालने के लिए। मैरी कहती है हैंकॉक कल तुमने जो छींका था ना इसलिए हमारी दीवार टूट गई, इसीलिए आज मत छींकना। उसको सपोर्ट करते हुए हैंकॉक कहता है कि आज जब धूल होती है तभी मैं छींकता हूँ। अचानक रे को अपने बॉस का फोन आता है। हैंकॉक मैरी को चढ़ाने की कोशिश करता है, उसने उसके कंधे में किसी नुकीली चीज से वार करने की कोशिश की, वो उसके सिर पर रोलर से वार करता है। जब वो उसे 2 पैन मारने वाला था तो मैरी ने उसे नोटिस किया। हैंकॉक का कहना है कि इसे मैं पूरे दिन कर सकता हूँ। मैरी हैंकॉक से पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। हैंकॉक कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो शाम को मेरे घर पर आगे मुझसे मिलो। मैरी कहती ठीक है। जैसे ही रे अपने ऑफिस जाता है मैरी हैंकॉक से मिलने उसके घर आ जाती है। हैंकॉक उससे पूछता है कि हम कौन हैं, हम इन महाशक्तियों को कैसे प्राप्त करते हैं। मैरी से बताती है हमें लोग भगवान एंजल्स यहाँ तक कि सुपर हीरो भी कहते हैं। हैंकॉक पूछता है कि हमारे जैसे दूसरे लोग कहाँ हैं। मैरी का कहना है कि सब मर गए, हम ही 2 बचे हैं, ये 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है। हैंकॉक उससे पूछता है कि तुम मेरे लिए कौन हो। मैरी झूठ बोलती है, कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। हैंकॉक कहता नहीं
मैं तुमसे अट्रैक्ट हुआ था और तुम भी मुझसे अट्रैक्ट हुई थी, हमारे बीच में किसिंग हुई थी। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बहन हो, तुम मुझसे सच छुपा रही हो। मैरी कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। फिर भी हैंकॉक उसकी बात विश्वास नहीं करता। हैंकॉक कहता ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे रे पति से सच्चाई जान लूंगा। मैरी उसे रोकने के लिए लड़ती है, उनके बीच में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। हैंकॉक को रोकने के लिए मैरी ने उस पर एक बड़ा ट्रक फेंका, हैंकॉक भी उससे मुकाबला करता है, इसकी वजह से मैरी उससे मार जाती है। इधर पूरा तूफान खड़ा कर देती है, इससे पूरे शहर में काले बादल छा गए, बर्फ आ गई। उनकी लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि शहर में इमारतें भी टूटने लगती हैं। इनमें वो इमारत भी शामिल थी जिसमें रे काम करता है। रे उन्हें देख लेता है, सीन रे के घर में शिफ्ट हो जाता है। मैरी रे से कहती है कि हाँ मैं हैंकॉक को जानती थी, वो पहले मेरा पति हुआ करता था, जो एक पुरानी कहानी है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना था ताकि मैं उससे दूर रह सकूं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। ये सुनकर हैंकॉक उदास हो जाता है, उसने शराब पीना छोड़ दिया था लेकिन वह फिर से पीना शुरू कर देता है। एक पास की दुकान में शराब की दो बोतलों को उठाता है। जब बिल भरने जाता है दुकानदार कहता है मेरी दुकान में दो लुटेरे छुपे हैं। दीवार में हाथ डालते हुए हैंकॉक लुटेरों को बाहर निकालता है, ना खूब पीटता है। इस दौरान एक लुटेरे ने दुकानदार पर तमंचा तान दिया, वो उसे चॉकलेट मारता है, लेकिन तब तक लुटेरे हैंकॉक को गोली मार चुके हैं। यहाँ हैंकॉक का खून बहता हुआ दिखाया गया है, वो खून बहने लगता है और वहीं गिर जाता है। लोग हैंकॉक को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो ये सोचकर हैरान रह गया कि गोली उसे कैसे प्रभावित कर सकती है, यहाँ तक कि एक बम भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। इसी बीच मैरी वहाँ पहुँच जाती है। हैंकॉक उस हालत में देखकर मैरी हैंकॉक से कहती है करीब 40 साल पुरानी घटना है, हम उस समय एक थे लेकिन जब भी हम एक होने की कोशिश करते हैं तो लोग हमें ख़त्म करने के लिए पहुंच जाते हैं, और जब हम एक दूसरे के करीब आते हैं तो हमारी शक्तियां भी ख़त्म हो जाती हैं। देखो ये तलवार का निशान उस टाइम का है। ऐसा कहकर वो अपने हाथ पर चलने का निशान दिखाती है। वो बताती है ये सन 1850 का निशान है, जब उस समय में एक दूसरे के करीब थे। बाद में तुमने मुझे जलते हुए घर से बचाया, तुम वहाँ से चले गए। जब हम एक दूसरे से दूर थे तो हम अपने आप ठीक हो गए, हमारी शक्तियाँ वापस आ गई। ये 80 साल पहले भी हुआ था और तुमने हमें वही कहानी भी सुनाई थी, जब मैं तुमसे दूर चली गई तुम ठीक हो गए। वो बात ही कर रहे थे कि हाथ काटे हुए लुटेरे आ जाते हैं। जिस डाकू का हाथ हैंकॉक ने काटा था उसने मैरी को गोली मार दी, इससे मैरी घायल हो गई। उसकी यह हालत देखकर हैंकॉक आग बबूला हो जाता है, वो एक एक करके सभी लुटेरों का अंत करता है। यहाँ हैंकॉक की शक्तियाँ कम हो गई लेकिन फिर भी वो एक पूरा इंसान नहीं बना था, यानी उसकी शक्तियाँ थोड़ी थोड़ी थी, इसलिए उस सारे लुटेरों को वहीं ख़त्म कर रहा था। आखिरी में कटे हुए हाथ वाले लुटेरे की बारी थी, उसने हैंकॉक को पीटा, उस पर गोलियां भी चलाई। हैंकॉक को दर्द हो रहा था, दूसरी तरफ मैरी भी दर्द से तड़प रही थी। हाथ काटने वाला डाकू कहता अगर तुम मौत के बाद नरक में जाओगे तो मैं बड़ा आभारी रहूंगा, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हें मार डालेगा। अब तुम पूरी तरह से इंसान हो, तुम्हारी शक्तियाँ जा चुकी हैं, तुम्हें मारने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही वो हैंकॉक के सिर पर आखिरी गोली मारने वाला था रे आ गया और उसका दूसरा हाथ कुल्हाड़ी से भी काट दिया। इतने में बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मैरी सांस नहीं ले रही थी, उसकी धड़कन ने भी काम करना बंद कर दिया था। तब हैंकॉक को याद आता कि मैरी ने क्या कहा था, जब भी हम एक दूसरे के करीब होंगे तो मर जाएंगे। ये याद करते हुए हैंकॉक फिर से खड़ा हो जाता है, वो अस्पताल की खिड़की से कूद गया, इससे मैरी की धड़कन तेज हो जाती है। हैंकॉक फिर वही करता है और कूद जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैरी की सांसें चलने लगती हैं। बाद में हैंकॉक इतनी ऊंची छलांग लगाता है कि वो चांद पर पहुंच जाता है। इसके बाद मैरी को होश आता है, वो ठीक हो गई है। 6 महीने बाद फिर से सीन दिखाया जाता है, यहाँ रे के परिवार को खुश दिखाया गया है। वो एक बीच पर आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं। रे को हैंकॉक का फोन आता है, वो उसे पहली बार चांद देखने के लिए इन्वाइट करता है। जब रे आकाश की ओर देखता है उसने एक साइन को देखा, उसके ड्रीम जॉब का लोगो था, अच्छा काम करने वाला। हैंकॉक भी धरती पर वापस लौट आता है ताकि वो एक सुपर हीरो के तौर पर काम कर सके। दोस्तों कैसी लगी आपको हैंकॉक फिल्म की स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम गगन है।